हम सभी में एक आस्था शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है ताकि अपने ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस किताब की समरी में आप इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री ने लिखा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये पार्ट वन है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वो दुनिया में हर जगह तो घूम चुका है और बस अब रेगिस्तान में ही घूमना बचा हुआ है, बाकी तो पूरी दुनिया ही खत्म कर ली उसने घूम घूम के। इसीलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वो उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था और इसीलिए उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पीने की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मर जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास में ना ही कोई घर था और ना ही कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंडपंप देखा। वो अपने शरीर में बची ऊर्जा के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वो बेचारा बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब ये परिस्थिति उस आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी है। उसे पानी की सख्त जरूरत है, या तो वो उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल पानी भी चला जाएगा और वो प्यास से मर सकता है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो फिर तो जितना चाहे वो पानी पी सकता है, नहा ले या जैसी जो मर्जी वो कर ले। अब दोस्तों, उस आदमी के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आने लगे। अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने इस जोखिम को लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसीलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दिया और उस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भर कर पानी पिया और उसके बाद अपनी बोतल और जग में भी भर लिया और अंत में उस बोतल में आधा पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी कि विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आस्था ऐसी चीज नहीं है जो किसी विशिष्ट इंसान या लोगों के ग्रुप में ही मिले, बल्कि आस्था तो हर इंसान में है। आस्था या विश्वास वो है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितना ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारी आस्था बदलते हैं। उदाहरण के लिए, हमें पहले आस्था थी कि धरती के पास सिर्फ चांद ही एक ग्रह है, लेकिन ज्यादा ज्ञान लेने और ज्यादा चीजें अन्वेषण करने से पता चला कि उनके अलावा भी धरती के पास कई सारे और भी ग्रह हैं। वास्तविकता। अब आती है भ्रामक वास्तविकता यानी कि इल्यूजरी रियलिटी। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी सोच से बना दी। भ्रामिक वास्तविकता में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा कि देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये हमें असल सच्चाई से हटा देती है। भ्रामिक वास्तविकता को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं, जहां जो चीजें आपका दिमाग देखना चाहता है वो बड़ी हो जाती है और दूसरी चीजें उसकी तुलना में कम उपयोगी लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपने मनपसंद जीवन को देखने में ही समय गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हैं। जब आपको हकीकत हिट करती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। लेखक कहते हैं यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन में दुखी और असफल होते हैं,
क्योंकि वो सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि सच्चाई है क्या। कई बार ये भ्रामक वास्तविकता सही भी साबित होती है। जैसे हम मानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है, अच्छी स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा जरूरी है। अब ये अगर एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे, यानी कि आस्था करेंगे, फिर उस आस्था से संबंधित असल जिंदगी के अनुभवों से ये आस्था मजबूत बनकर समय के साथ एक विश्वास बन जाएगा, जिसे आप उस समय बिना किसी शक के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस आस्था को मानते हुए एक भ्रामक वास्तविकता बनाते हैं जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह कल्पना करें और मेहनत करते रहें, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका विश्वास और भ्रामिक वास्तविकता दोनों ठीक है, दोनों ही आपके तरफ में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों में विश्वास मान लें, जैसे जीवन में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं, या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता है, ये गलत आस्था है। अगर आप उसे सही मान लें और उसके ऊपर अपनी भ्रामिक वास्तविकता बनाएं, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। यानी आप बुरे काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे, बुरे काम ज्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छुप जाएंगे। विश्वास, विश्वास हमारे अवचेतन मन में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूं जो आगे बढ़ेगा, या मैं वो इंसान हूं जो जीवन में सफल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो सफल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो आप असफल भी हो सकते हैं। इसीलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत विश्वास क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल और असफल इंसान में क्या फर्क है, मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का ही फर्क है। सफल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सफल बनूंगा, इसीलिए वो सफल इंसान बनता है। असफल इंसान को खुद पर शक रहता है कि शायद मैं सफल नहीं हो सकता, इसीलिए आज वो असफल है। व्यक्तिगत विश्वास बनाने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए, या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके मानसिकता को समझ पाएंगे और अपने मानसिकता को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को लागू करने से आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। याद रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वो परिणाम यानी कि रिजल्ट्स हैं, या वो उन परिणाम को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन परिणाम को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका विश्वास सफल लोगों की तरह मजबूत हो जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बचपन से हमारे अंदर माता पिता, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के विश्वासों को भर दिया गया है। उन विश्वासों से प्रभावित होकर काम करने से जीवन में उसी तरह के कार्य करते हैं और बदले में वैसे ही परिणाम मिलते हैं। ऐसे विश्वासों को ज्यादातर लोग कभी जीवन में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी खुद से सवाल नहीं करते हैं। अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है? क्या ये आज के समय में हमारे लिए उपयोगी है? जैसे सामान्य रूप से मिडिल क्लास परिवार में बच्चों को बचपन से बताया गया है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं और नौकरी करके अपना जीवन निकाल देते हैं। वहीं 10% लोग इस विश्वास को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में विश्वास करना शुरू करते हैं, जिससे वो एक अमीर और सफल इंसान बनते हैं। सफल और खुश जीवन जीने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने विश्वासों को लेकर सवाल पूछें और देखें कि क्या ये आपके लिए ठीक है, आपकी खुशी और विकास के लिए मददगार है या नहीं। सीमाएं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी सीमित विश्वासों को पहचान कर लें तो उन्हें सहायक विश्वासों से बदलना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपने मानसिकता को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई और जरूरी रणनीतियां बना सकते हैं। इस तरह सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकालकर
अपने आप को एक भरोसा दिलाएं कि आपको किसी नकारात्मक विश्वासों की जरूरत नहीं है और आप सकारात्मक विश्वासों के साथ खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। आस्था वो शक्ति है जो हमारे विश्वास को हकीकत में बदलती है। जब आप किसी चीज को बिना किसी संदेह के मान लेते हैं तो वो विश्वास बन जाता है। जैसे जीसस कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक देंगे और आपके मन में अपने लिए कोई भी शक नहीं आया तो आप जरूर ऐसा कर लेंगे। कई लोग कभी अपने आस्था की असली शक्ति समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो हर चीज हासिल करना आसान है। मजबूत विश्वास से आधे से ज्यादा शक तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप अपने पूरे संभावना का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उनको दो जगह निवेश कर सकते हैं। पूरे पैसे को दोनों जगह आधा आधा निवेश कर लें, एक जगह ज्यादा एक जगह कम निवेश कर दें, या पूरा पैसा एक जगह निवेश करें। इसी तरह हमारा विश्वास यानी कि आस्था भी एक एसेट की तरह है, जिसको आप चाहे तो सकारात्मक ऊर्जा बनाने वाली चीजों में निवेश करें या चाहे तो नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करें, ये आपकी इच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से खुशी और शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से जीवन में दुख और पीछे ही रहेंगे। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली बातों में भरोसा करें। इसके लिए बिलीफ फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसा विश्वास वैसी भावना यानी फीलिंग्स होती हैं, जैसी भावना वैसा कार्य होता है, जैसे कार्य वैसे परिणाम होते हैं और जैसा परिणाम वैसी आस्था विकसित होती है। जैसा विश्वास वैसी भावना का मतलब है, जैसा आप अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक महसूस करेंगे। जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, मतलब अच्छा महसूस करने से हम सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और नकारात्मक सोच से नकारात्मक कार्यों के लिए प्रभावित होते हैं। इस तरह हमारी भावना का हमारे कार्य पर बहुत असर पड़ता है। जैसा कार्य वैसा परिणाम होता है, मतलब रोज व्यायाम जैसे अच्छे कार्य लेने से मांसपेशियां यानी मसल्स मजबूत होती हैं और आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे। और जैसा हमारा परिणाम वैसा आस्था विकसित होती है, मतलब एक बार जब कार्य कर लेने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उन कार्य पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। नकारात्मक भावना के साथ काम करने से परिणाम भी नकारात्मक मिलता है और आप उन कार्यों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये द पावर ऑफ फेथ बुक समरी का पार्ट 1 था। बाकी के सारे पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।